यमुना का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के नजदीक। हथनी कुंड बैराज से नदी में छोड़ा गया पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन लेखनी न्यूज। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, इससे नदी के निचले हिस्से में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। राजधानी में आज सुबह 8 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर 203.33 मीटर दर्ज किया गया। नदी की चेतावनी स्तर 204.50 मीटर है। हथनी कुंड बैराज से आज सुबह 8 बजे से 2.79 लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया। वहीं प्रशासन ने रविवार शाम को ही यमुना खाद इलाके में मुनादी करानी शुरू कर दी है। लोगों के लिए ऊपरी इलाके में टेंट लगाने शुरू कर दिए गए हैं। यमुना खाद क्षेत्र में खेती करने वाले लोगों को पानी पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने फ्लड कंट्रोल विभाग को सतर्क रहने के लिए कहा है। यमुना के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित दूसरे स्थानों पर भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि बाढ़ के बचाव के लिए जितने भी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं उनका भी निरीक्षण किया जा चुका है। दिल्ली के अंदर 16 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। दिल्ली सरकार नदी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रहने व खाने का इंतजाम कर रही है। 205.33 मीटर है खतरे का निशान। रविवार को शाम 5 बजे तक पुरानी लोहा पुल के पास यमुना का जल स्तर करीब 203.57 मीटर तक मापा गया। यहाँ चेतावनी का स्तर 204.5 मीटर है और 205.33 मीटर खतरे का निशान अंकित किया गया है। 1978 में आई थी भयंकर बाढ़। दिल्ली में 1978 में भयंकर बाढ़ आई थी। उस साल हथनी कुंड बैराज से एक साथ 2,24,390 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण लोहा पुल पर यमुना का जल स्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। इसके बाद 2010 और 2013 में भी दिल्ली में बाढ़ आई थी। दोनों बार लोहा पुल पर यमुना का जल स्तर 207 मीटर के पार चला गया था।